Hi children, today कण-कण का अधिकारी पाठ पढ़ेंगे। कण-कण का अधिकारी पाठ आपको अगस्त पोर्शन है। अगस्त पोर्शन मैं कहना चाहती हूँ। और कण-कण का अधिकारी क्या है? कण-कण का अधिकारी, कण-कण माने क्या है? हर एक भाग, और हर एक भाग का जो अधिकारी कौन हो सकता है, और अधिकारी माने क्या है, और उसे भोगने वाला अधिकारी होता है। किसी एक वस्तु भोगने वाला कौन होता है, उस वस्तु का अधिकार उनके लिए रहता है, इसलिए वो अधिकारी बनता है। और यहाँ पर भी कण-कण का अधिकारी, कण-कण माने क्या है, हर एक एवरी पार्टिकल, और उसके लिए कौन है, भोगने वाला कौन है, यहाँ पढ़ेंगे। और इकाई दो इकाई में और कण-कण का अधिकारी आज का पाठ का नाम है फोर्थ लेसन। कण-कण का कण-कण का अधिकारी, और कौन है कण-कण का अधिकारी, एक कविता पाठ है। और कवि कौन है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के कवि है। और यहाँ पर उन्मुखीकरण, कुछ वाक्य दिए गए उन्मुखीकरण, और उन्मुखीकरण किसके लिए देता है, और यह शीर्षक के बारे में आपको जानकारी होना है, इसलिए उन्मुखीकरण देते हैं। और उन्मुखीकरण में क्या बताया, देखिए, सूत काटते थे गांधी जी, सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे, क्या पीसते थे, चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। और आपको उन्मुखीकरण में गांधी जी के बारे में परिचय दिया गया, और गांधी जी क्या करते थे, और उनका अनुभव क्या था, और किसके बारे में ज़्यादा महत्व देते थे, उसके बारे में है। सूत काटते थे गांधी जी, गांधी जी क्या करते थे, सूत काटना, सूत काटना मीन्स, और हथकरघा आपको मालूम है, हथकरघा अंटे मग्गम, बट्टल नेस्ता उंटारु, आ बट्टल नेसे दानी मग्गम अंटारु, हथकरघा अंटारु। सूत काटते थे गांधी जी अंटे नूल वड़कड़म, अंटे क्लॉथ्स नी तैयार चेयडम, अप्पुडप्पुडु गांधी जी నూల్ వడికేవాడనమాట, అంటే ఏంటి, బట్టలు తయారు చేసేవారు. అప్పుడప్పుడు మనకి గాంధీ చూస్తున్నప్పుడు ఇలా చక్రం ఉండి దానికి ఒక పట్టి ఉండి ఇలా కూర్చున్న పిక్చర్ మీకు ఇమాజినేషన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే దాన్ని మగ్గము అంటారు. అయితే ఆ మగ్గాన్ని పట్టుకొని అతను నూలును కూడా వడికేవాడు, అంటే బట్టల్ని కూడా తయారు చేసేవాడు ఖాళీ సమయాలలో. కప్డా బుంతేతి, బట్టలు తయారు చేసేవారు. చుంతే థే అనాజ్ కే కంకర్, అనాజ్ అంటే ధాన్యంలో ఏమైనా రాళ్ళు ఉన్నాయా, అంటే ఏమైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెటీరియల్ని కూడా అతను తీసేవారనమాట. ఖాళీ సమయాలలో సమయాన్ని వృధా చేయకుండా దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసేవారు అనమాట. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, దాని నుంచి ఏమైనా వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటే కూడా తీసేసి క్లీన్ చేసేవారు. చక్కీ పీస్తే థే, చక్కీ అంటే తిరగలి, మోటార్ అనమాట. ఇలా తిప్తా చూడారా, విసురాయి విన్నారు ఎప్పుడైనా, అది పీస్తే అంటే ఇలా తిప్పేవారు. ఏం చేసేవారు, తిప్పి
ఆ విసిరిన వచ్చిన పిండితో వంట వండుకొని తినాలని చెప్పేవారు. ఐసా థా ఉన్కా ఆశ్రమ్, ఐసా థా ఉన్కా ఆశ్రమ్ అంటే అతను ఆయన యొక్క పనులు అలా ఉండేవి అన్నమాట. అతని హ్యాబిట్స్ అలా ఉండేవి. గాంధీజీ కెలియే పూజాకి సమాన్ థాశ్రమ్, గాంధీజీ గారికి తను పూజించదగిన ఒక పని ఏదైనా ఉందంటే అది శ్రమ మాత్రమే. అంటే ప్రతి క్షణం అతను ఎన్నో పనులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవసరమైన పనులు, అవసరమైన హార్డ్ వర్క్ అతను చేసేవారు, ఆయన చేసేవారు. కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఖాళీ ఉన్న సమయాల్లో కూడా పనికి వచ్చిన విషయాల్ని మనం చేస్తూ ఉండాలి. దానివల్ల ఎంతో ఆ శ్రమ ఎప్పుడు వృధా పోకుండా మనం ఎన్నో లాభాన్ని పొందొచ్చు. ఆర్ అప్పో గాంధీజీ క్యా క్యా కర్తే థే, గాంధీజీ క్యా క్యా కర్తే థే, సూట్ కాతే థే, కప్డే బుంతే థే, ఔర్ అనాజ్ అనాజ్ మే జో పత్తర్ హోతే హే ఔర్ వో పత్తర్ భీ నికాల్తే థే ఔర్ చక్కీ భీ పీస్తే థే, హై నా. గాంధీజీ కే అనుసార పూజనీయ క్యా హే ఔర్ కిసే ఐసా పూజా కర్నే లాయక్ మాన్తే థే గాంధీజీ, శ్రమ కో పూజా కర్నే లాయక్ సమజ్తే థే. గాంధీజీ కే అనుసార పూజనీయ క్యా హే, శ్రమ హే, హార్డ్ వర్క్ హే, మెహనత్ హే. हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है, हमारे जीवन में हार्ड वर्क का क्या महत्व होता है? बहुत बहुत होता है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से किसी काम में हम जीत सकते हैं. हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से, श्रम करने से किसी काम भी हमें आसान लगता है और उस काम में हम सक्सेस हो जाते हैं और कभी भी हार नहीं होते हैं, जीतते हैं. कभी भी हार्ड वर्क से हम हर काम में जीतते हैं. और उद्देश्य, सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है. सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ, और सामाजिक काव्य, और काव्य माने क्या है, कविता आ जाती है यहाँ पर, और कविता की प्रेरणा और कविता लिखने की प्रेरणा हमें इस पाठ से मिलता है. और कविता लिखने की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण और समाज के लिए जो कुछ भलाई रहती है और उस भलाई के बारे में और उदारता की भावना अपने में विकास करने के लिए यह पाठ यहाँ पर दिया गया. और अपने लिए भलाई का काम और उदारता का काम क्या है, दूसरों की सहायता करना. और दूसरों की सहायता करने से अपनी उदारता की भावना बढ़ती है और वो क्या है, हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क है. और अपने में जो गुड क्वालिटीज इम्प्रूव होने के लिए और हार्ड वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है और उस हार्ड वर्क के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट के बारे में हमें इस पार्ट में बताया गया है. और उसके पथ पर और हार्ड वर्क के इम्पोर्टेंस पर हमें आगे बढ़ने के लिए और फॉरवर्ड होने के लिए हमें इंस्पिरेशन देने के लिए यह पार्ट हमें दिया गया. और विधा विशेष क्या है, विधा विशेष और विच टाइप ऑफ लेसन दिस इज पोयम, इस पाठ की विधा कविता है. हम कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है. और कविता छोटी होती है फिर भी उन शब्दों में, कविता के जो उन शब्दों में भाव बहुत ज्यादा होता है. और अधिक भाव प्रकट करने की जो ढंग है और उतना पेशेंस है और वह हमें कहाँ मिलता है, कविताओं में ही मिलता है. అంటే కవి ఇది మనకి కవిత రూపంలో ఇచ్చిన పాఠము, తక్కువ పదాలలో ఎక్కువ భావాన్ని ఇచ్చే అర్హత మనకి కేవలం కవితలోనే దాగి ఉందన్నమాట. కవితలో మనం తక్కువ పదాలు ఉంటాయి కానీ దాని యొక్క మీనింగ్ చాలా ఎక్కువగా దాగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మీనింగ్ ఇచ్చే తక్కువ పదాలతో చేసేది ఏంటంటే కవిత అని చెప్పొచ్చు. और कवि कौन है,
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय देखिए, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में, प्रसिद्ध कवि बहुत होते हैं, कई होते हैं, और उनमें से हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। उनका जन्म सन 1908 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। इनका जन्म बिहार में हुआ और कब हुआ? 1908 में हुआ। जन्म कब हुआ? 1908 में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। बिहार के मुंगेर में हुआ। बिहार के मुंगेर, बिहार प्रांत के मुंगेर स्थान पर हुआ। मुंगेर स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर प्रांत में हुआ। और कब हुआ? 1908 में हुआ। निधन सन 1974 में हुआ। और निधन माने क्या है? मृत्यु, डेथ। कब हुआ इनका? 1974 में हुआ। और जन्म 1908 में हुआ और निधन 1974 में हुआ। और जन्म निधन का जो हम क्या कहते हैं? जीवन काल। और रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन काल क्या है? 1908 से 1974 तक इनका जीवन काल है। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इन्हें राष्ट्र कवि, राष्ट्र माने क्या है? नेशनल पोएट भी कहा जाता है इन्हें। वीरिनी जातीय कवि अनि कूडा अंटारु, अंटे मामूलुगा नेशनल लेवल लो कूडा इनकि मंची पेरु उंदन्नमाट। ऊर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऊर्वशी किस रचना के लिए? ऊर्वशी काव्यानिकि अतनिकि ज्ञानपीठ पुरस्कारं कूडा वच्चिंदि। ऊर्वशी रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं है। और क्या क्या रचनाएं हैं इनके लिए? रेणुका, नेक्स्ट कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, रसवंती नामक इनकी रचनाएं हैं। ऊर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती इनकी रचनाएं हैं। और प्रमुख रचनाएं मीन्स बहुत कई रचनाएं की है, फिर भी इनके लिए ये रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। और आज भी हम लाइब्रेरी में गए तो और कई रचनाएं हमें मिलती हैं, और गूगल में सर्च करें तो भी इनकी रचनाएं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रस्तुत कविता उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। प्रस्तुत कविता क्या है? कणकण का अधिकारी। और कणकण का अधिकारी यह कविता पाठ है। और इस कविता में कुरुक्षेत्र, और इस कविता को किस रचना से ली गई है? कुरुक्षेत्र रचना से हमें यह कणकण का अधिकारी कविता लिया गया है। इसलिए आपको कुरुक्षेत्र में मालूम है कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र एक युद्ध का स्थान है। कौरव लोग और पांडव लोग एक साथ
कहां पर युद्ध किए हैं और उस स्थान को कहते हैं कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में युद्ध कितना भयंकर रूप में हुआ था और कुरुक्षेत्र में कौन कौन प्राण खो गए थे और कुरुक्षेत्र में कौन कौन थे और वहां क्या हुआ था, इसके बारे में पाठ में हम पढ़ सकते हैं। और इस पाठ में आप जानते हैं कौरवों में कौन कौन है और पांडवों में कौन कौन है। कौरवों में कौरव कितने हैं, 100 से ऊपर है, और पांडव लोग कितने हैं, 5 है। और कौरवों में मुख्य रूप से हमें कौन कौन है याद, दुर्योधन, दुशासन, और बाकी के कौरव भी है उनके भाई, लेकिन और ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट। और पांडव लोगों में आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़े यक्ष प्रश्न में धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन और नकुल और सहदेव, और ये 5 कौन है, पांडव लोग। और उनके बीच कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध कहाँ हुआ था, एक जगह पर हुआ था और उसका नाम है कुरुक्षेत्र। उस जगह का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र ग्रंथ से, कुरुक्षेत्र रचना से कर्ण कर्ण का अधिकारी कविता लिया गया। और कुरुक्षेत्र में और उस युद्ध भयानक युद्ध के स्थान पर क्या हुआ है और किसके बारे में बताया गया इस कविता में, हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में भी हम पार्टिसिपेट करके और इस कविता के बारे में पढ़ सकते हैं और विषय प्रवेश पढ़ेंगे थोड़ा, और विषय प्रवेश के बाद आपको कविता शुरू कर सकते हैं। मेहनत की सफलता की कुंजी है, मेहनत माने क्या है, हार्डवर्क, और सफलता की कुंजी है, सफलता मीन्स सक्सेस, और सक्सेस के लिए जो की क्या है, हार्डवर्क। सक्सेस हो गए बोले तो क्या मतलब है, उन्होंने हार्डवर्क किए है इसलिए सक्सेस हो, इसलिए मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुंजी मीन्स चाबी, इला लागू अंत अर्थम हार्डवर्क చేసాం కాబట్టి సక్సెస్ అయ్యాం, దానికి రీజన్ ఏంటి, హార్డ్ వర్క్. సఫలతా జో రీజన్ క్యా హై, మెహనత్ కర్నా. మెహనత్ కర్నే వాలా వ్యక్తి కభీ నహీ హార్తా, మెహనత్ కర్నే వాలా వ్యక్తి ఔర్ జో హార్డ్ వర్క్ కర్తే హై ఔర్ కభీ భీ వహ హార్తా నహీ, కభీ భీ వహ జీతా హీ రహేగా. వహ హమేషా సఫల్ హోతా హై ఔర్ అసఫల్ నహీ హోతా, క్యా హోతా హై, సఫల్ హోతా హై, కిస్లియే సఫల్ హోతా హై, हार्डवर्क किया है इसलिए वह सफल होता है। कोई भी हार्डवर्क के और वो बिल्कुल सफल ही रहेगा, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक जगत और इमेजिनेशन जो कुछ हम करते हैं और इमेजिनेशन के बारे में जो करेक्ट स्ट्रक्चर देने वाला कौन है, मेहनत करने, और जो हम इमेजिनेशन करते हैं नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक मैं जो पा सकता हूँ बोल के एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन के लिए रूप देना है तो हमें क्या करना है, हार्डवर्क करना है, वो इमेजिनेशन भी सच हो जाएगा हार्डवर्क से इसलिए। और जो काल्पनिक जगत वो इमेजिनेशन का जो वर्ल्ड है वो सच होने के लिए हमें क्या करना है, हार्डवर्क करना है। इसके कणकण के पीछे उसी का श्रम है, और ये कणकण के पीछे क्या है और मुख्य विषय क्या है, श्रम करना। श्रम करने से ही कणकण का अधिकारी बन सकते हैं, इसलिए वही कणकण का अधिकारी है, जो श्रम करता है वही कणकण का अधिकारी बनता है, जो श्रम करता है वही कणकण का अधिकारी बनता है। और इस विषय को हमें कुरुक्षेत्र रचना से लिया गया। और आज का काम क्या है, इस पाठ से कवि परिचय और पाठ शुरू करते समय हम क्या करना है, पाठ का नाम और कवि का नाम और उद्देश्य क्या है, विधा विशेष लिखना और कवि परिचय लिखना, और ये 3 होने के बाद आपको
कविता लिखना होगा। इसलिए आपको पहले क्या करना है, लेसन नेम और कवि का नाम लिखने के बाद विधा विशेष उद्देश्य, ये उधर इधर होने से भी परवाह नहीं, लेकिन लिखना उद्देश्य विधा विशेष और कवि परिचय के बारे में लिखना है। याद रखिए कवि परिचय इसी तरह लिखना है, टेक्स्ट बुक में जिस तरह है उसी प्रकार लिखना है, और ऐसा स्टडी मटेरियल में कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है और जन्म यह है और जन्म स्थान, या ऐसा साइड हेडिंग्स में रहते हैं और ऐसा मत लिखना। याद कैसे लिखना, पैराग्राफ जैसा लिखना, क्योंकि इसी तरह लिखने से ही आप करेक्ट मार्क्स पा सकते हैं। इसलिए याद रखिए इसी तरह का परिचय ही आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रहेंगे।